हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन क्वेश्चन हब चैनल में। तो जी फ्रेंड्स, की बात करें आज के इस टॉपिक लेकर के आ गए हैं अपडेट। अभी भी क्या बेटा, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी के यूजी वोकेशन एडमिशन को लेकर के। जी मेरे फ्रेंड्स, आप सभी से बहुत सारे लोग अगर सेकंड बेड स्पेड से नहीं ले पाए हैं तो आखिर आप सबके बहुत बड़ा सुनहरा मौका एडमिशन लेने का इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी के वोकेशनल कोर्सेज में। इसी के साथ साथ बताएंगे आपको कि जो वोकेशनल की जो स्पॉट राउंड शुरू होने जा रही है, कितने सीटें किस कॉलेज में खाली है, और अभी भी क्या एडमिशन होकर अपडेट आया आपके यूजी वोकेशनल कोर्स को लेकर के। और ये भी साथ साथ जानेंगे कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो सारी जगह जाने के लिए आपको आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जो देखना पड़ेगा। आप वीडियो पसंद को लाइक करिए, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का मौका मिलेगा जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया था, फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया उसके बाद भी, जिनका नाम नहीं आया है तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा। तो सही के जानने के लिए आपको इसका वीडियो सोशल मीडिया तक जो देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद को लाइक करिए, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस, उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और ITI और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पर गाइस आपको ITI, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट्स सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डेफिनेट जो सबसे पहले बताते हैं आप सभी को कि जो वोकेशन का थर्ड बेड लिस्ट है वो कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, पढ़ने को मिल रहा है अपडेट कि वोकेशन के लिए स्पॉट राउंड नामांकन छुट्टी के बाद होगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स के लिए स्पॉट राउंड नामांकन छुट्टी के बाद जारी की जाएगी। दो राउंड नामांकन पूरा हो चुका, इसके बाद थर्ड लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। तो आपके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की UG वोकेशनल में थर्ड बेड लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। अब राइटली आप सभी का एडमिशन स्पॉट राउंड में होगा। स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन ने बताया कि थर्ड बेड लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। इसके बाद वोकेशनल कोर्स में भी स्पॉट राउंड के तहत नामांकन किया जाएगा। स्पॉट राउंड कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, तो जब शुरू होगी स्पॉट राउंड तो पूरी जानकारी आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। पढ़ने बेटा, इसके तहत जिस कॉलेज में सीटें खाली होगी छात्र वहां जाकर नामांकन के लिए आवेदन करेंगे। सीटेट भी छुट्टी के बाद जारी होगा स्पॉट एडमिशन का। फिर सबको पढ़ने देखने मिल जा रही है, कभी भी अपडेट आई है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वोकेशनल एडमिशन को लेकर के घट रहा है छात्रों का रुझान। तो मेरिट लिस्ट के बाद कुछ कोर्स में तो अभी तक 100% सीटें खाली है। पढ़ने को मिल जा रहा है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी PPU में फीस, महंगी फीस और आउटडेटेड सिलेबस ही पता को बहुत पुराना है, और प्लेसमेंट की कमी से वोकेशनल कोर्स में 70% सीटें खाली है। आइए देखते हैं किस किस कॉलेज में कितने सीटें खाली है। तो कई छात्र सूची में नाम आने के बाद भी नहीं ले रहे एडमिशन। पर पढ़े BBM के कोर्स के बारे में बात करें तो TPS में 60 सीटें जिसमें से 54 सीटें खाली है। वो माय गॉड, इन कॉलेज में देख पा रहे हो 150 सीटें में से 100 सीटें खाली है। PD कॉलेज में 69, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 103, गंगा देवी 48, JD वोमेन 67, RKD में 44। अब बात करते हैं बायोटेक कोर्स के बारे में, तो इन कॉलेज में 44 सीटें खाली हैं। BT में 28, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 57, TPS में 23। और BSc IT के बारे में कोर्स के, तो इन कॉलेज में 60, BD में 40, कोकास में 66 और RKD में 49 सीटें। इसी प्रकार BCA कोर्स की बात करें जो कि आप सभी का पसंदीदा कोर्स, TPS कॉलेज में 79 सीटें खाली हैं। इन कॉलेज में 88, BD कॉलेज में 61, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 76, गंगा देवी कॉलेज में 56, JD वुमेन्स में 81, RKD में 37 और अरविंद मेला कॉलेज में 49। एक तो देख पा रहे हो कुल सीटें और बगल में देख पा रहे हो कितने खाली सीटें हैं। अब बात करें बायोकेमिस्ट्री से, बहुत जो कर रहे हैं भी अप्लाई, तो कोकास में 90 में से 46 सीटें खाली है। देख रहे हो क्या हो रहा है, 86 सीटें खाली हैं। देख पा रहे उसी तरह बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं, इतने सारे सीटें खाली हैं। तो वो सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं सर मेरा एडमिशन होगा या नहीं, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपका एडमिशन होगा नहीं। गाइस देख पा रहे अभी 100% सीटें खाली हैं, इतने सारे सीटें खाली, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। स्पॉट राउंड अब जल्द बिल्कुल ही शुरू होने वाला है छठ पूजा के बाद। अब चलो बताते हैं अपडेट डिटेल में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पढ़ने देखने मिल जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स का सेकंड और जो राउंड चल रहा था मेरिट लिस्ट का नामांकन समाप्त हो गया। शनिवार को इसके वैलिडेशन की अंतिम तिथि थी जो कि कॉलेज ने कर दिया। अब जब जो सेकंड लिस्ट में जिनका नाम कॉलेज आया वो अप्लाई नहीं कर पाए, तो निश्चिंत रहे आपका एडमिशन आपको लेना होगा स्पॉट राउंड में। तो जो भी अगर फर्स्ट सेकंड लिस्ट में एडमिशन नहीं ले पाए उनको स्पॉट एडमिशन लेना होगा। और जो एडमिशन ले लिए हैं कॉलेज चेंज करना चाहते हो तो आपको कॉलेज एडमिशन कैंसिल कराना होगा कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके में कैसा क्या होगा, 500 रुपया कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले रख कर आपको बाकी एडमिशन की राशि लौटा दिए जाएंगे, फिर आप स्पॉट एडमिशन ले सकते हो। पढ़ने को मिल रहा है यहाँ पर कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स का सेकंड मेरिट समाप्त हो गया, वैलिडेशन भी हो गया। रेगुलर कोर्स में भी करीब 30% से अधिक सीटें खाली हैं, लेकिन वोकेशनल कोर्स में दो राउंड के बाद भी अभी 70% तक सीटें खाली हैं। देख पा रहे बड़े बड़े कॉलेजेस में।
पर मैंने वो लिस्ट दिखा दिया। छात्रों का रुझान इस कोर्स की ओर अब धीरे धीरे घट रहा है, इसके कई कारण हैं। महंगी फीस, अपडेटर से लेकर स्मॉल प्लेसमेंट की कमी की वजह से इन कोर्स के स्टूडेंट का रुझान कम हो रहा है। वहीं महंगाई व कोरोना की वजह से भावकों पर पड़ी आर्थिक मार एक बड़ी कारण है। कई छात्र दो मेधा सूची में नाम आने के बाद भी नामांकन नहीं लेते हैं, इसके पीछे का कई कारण है कि अलॉट कॉलेज उन्हें पसंद नहीं आना। वही मनपसंद कॉलेज और जगह पर नामांकन लेने के विचार में इंतजार करते हैं और फिर स्पॉट राउंड में नामांकन लेते हैं। स्पॉट राउंड में नामांकन होने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पर यहाँ पर कि नामांकन में देरी भी एक कारण हो रही है कि कोरोना से नामांकन में देरी को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। चूँकि पटना यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स का नामांकन पहले हो गया था, इससे वहाँ बड़ी संख्या में छात्रों ने नामांकन ले लिया। जो बच गए उन्होंने राज्य के बाहर का रुख किया और दूसरे राज्य की बड़ी संस्थानों में भी पढ़ने चले गए, क्योंकि वहाँ प्लेसमेंट के अवसर अधिक मिलते हैं। तो गाइस पढ़ने का मिल रहा है कि स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर पीपीयू के प्रोफेसर ए के नाग जी ने यहाँ पे बताया है कि अभिभावकों पर कोरोना व अन्य वजहों से जो आर्थिक मार पड़ी है, इस वोकेशनल कोर्स में नामांकन पर बड़ा असर पड़ा है। बड़ी संख्या में सीटें खाली है, अभी स्पॉट राउंड बाकी है और उसमें बड़ी संख्या में छात्र अपनी मनपसंद कॉलेज में नामांकन लेने की वजह से भी जानबूझ कर नामांकन नहीं लेते हैं। तो गाइस अब बस शुरू होने वाली है स्पॉट राउंड आप सभी के यूजी के वोकेशनल कोर्स में, जो कि छठ पूजा बाद शुरू होगी 12 या 13 से। तो गाइस ये थी पूरी अपडेट जो कि मैं थी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के तरफ से। गाइस आप हमारे जो भी डाउट्स हम उसे राइटली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स आप कोई भी डाउट्स हम उसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर आ जाइए। आने के बाद ये हमारे अदर चैनल से आपने अभी तक हमारे इस चैनल तीनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लेना और चले क्या बॉक्स सेक्शन आइए दिख पाओ। यहाँ पर इस टाइम अकाउंट का लिंक मैंने पिन रखा है, आप राइट इस टाइम अकाउंट पर क्लिक करके आप उसे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली अपनी क्वेरीज डाउट्स आसानी से पूछ सकते हो। बस डाउट्स पूछने से अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। देख पाओ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल देखने को मिलता है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर जो भी अपडेट आती है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से और भी शिक्षा जैसे छोटी बड़ी खबरें सारी अपडेट हम आपको टेलीग्राम से पढ़ते रहते हैं। अगर ये एरर मिस आता है तो घबराना नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से लिंक कॉपी कर लीजिए टेलीग्राम चैनल का और टेलीग्राम एप्लीकेशन पे खोल करके जुड़ जाइए। देख पर अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते तो आप टेलीग्राम से पे भी डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट करके मुझसे अपने सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। बस इस टेलीग्राम से को जुड़ जाना, क्योंकि ज्वाइन कर लेना, इस पर जो भी अपडेट आएंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से पटना यूनिवर्सिटी सारे अपडेट आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड आज की इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। किन्हीं को डाउट हो तो वीडियो की कम से कम ना बोले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।